हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यार वेलकम बैक टू ग्लोरियस वाइटी चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने नियॉन पंक की अचीवमेंट के ऊपर कि कैसे जो है हम लोग नियॉन पंक की अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं और फ्री 50 अचीवमेंट पॉइंट्स ले सकते हैं। भाई इस अचीवमेंट को पबजी मोबाइल ने बहुत ही आसान कर दिया अब आप लोगों के लिए। जिसकी यूनिक डेस्टिनी के लिए 100 या 200 पॉइंट्स रहते हैं तो भाई वो इसको जल्दी ही कंप्लीट कर ले, काफ़ी ओपी सी अचीवमेंट है, ठीक है ना। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो ईजिली 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। सब कुछ आपके हाथ में, थोड़ा सा बस आपका यूसी चाहिए होगा इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप पुराने रॉयल पास लेते रहे हो, मतलब पुराने सीजन से खेल रहे हो, फिर तो शायद बहुत ही थोड़ा सा यूसी चाहिए होगा, बिकॉज कुछ आइटम्स आपके पास ऑलरेडी परी होंगी। तो अभी आप लोग मैं चल के दिखाता हूँ मिशंस के अंदर की अचीवमेंट कहाँ पे है। इतनी देर में यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से यार शेयर मार दो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, जिन जिनका यूनिक डेस्टिनी होने वाला है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आइए मिशंस के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को अचीवमेंट्स में चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को देन आइटम्स पे आ जाना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे जो है आइटम्स यहाँ आ जाने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अचीवमेंट 17 डेज बाद रिमूव हो जाएगी पबजी मोबाइल ग्लोबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस अचीवमेंट के अंदर मेरे पास UMP है, ठीक है, नियॉन पंक UMP है ब्लू वाली, और बाकी मेरे पास 5 आइटम्स नहीं है। अगर मुझे 5 आइटम्स निकालने हैं, पबजी मोबाइल ने इसका एक क्रेट दिया है, ठीक है, हम लोग वहाँ से क्रेट से निकाल सकते हैं। और भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूसी है कि इतनी यूसी में आपकी सारी चीज़ें निकल आएंगी। मतलब कि पहले होता था ना कि ये क्रेट है, आपकी लक पे डिपेंड करेगा, अगर निकलता है तो निकलता है, नहीं निकलता तो भाई बैठे रहो। अब ऐसा नहीं है, अब एक लिमिटेड अमाउंट यूसी रख दिया गया है कि इतने यूसी में ये चीज़ निकल आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग निकाल सकते हो यूसी के अंदर, जितनी आइटम्स आपके पास होंगी उतना ही कम आपके पास यूसी लगेगा। और आइए आप शॉप के अंदर चलते हैं और आप लोगों को मैं चल के एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके 50 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं और साथ इसकी ये वाली प्लेन की स्किन है। प्लेन की स्किन तो कोई ओपी नहीं है, बट 50 अचीवमेंट पॉइंट्स बहुत ओपी हैं, बिकॉज अभी आप लोग देख सकते हो मैं भी अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे भी अचीवमेंट पॉइंट्स जो हैं वो हैं 5335 और अभी मैं इस सीज़न जो है 5500 तो इसको लिए बगैर ही कर लूँगा। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ तो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और मेरी यूनिक डेस्टिनी होने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बट यार अपने पास यूसी नहीं है और ना ही हम लोग यूसी लगाने वाले हैं, क्योंकि यूसी है ही नहीं यार। तो आप लोगों को मैं बल्कि ज़रूर समझा दूंगा, अगर किसी का यूसी हो तो वो इजीली इसको 50 अचीवमेंट पॉइंट्स ले सकता है। तो आप लोगों को शॉप में चले जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो ट्रेयर्स में जाके आप लोगों को एक ट्रेयर क्रेट देखने को मिल रहा है, ये नियॉन पंक क्रेट 60 UC का। बट इसके अंदर क्या सीन होगा, 60 UC के अंदर आपकी कोई भी रैंडमली आइटम निकल सकती है, ठीक है, जैसे कि आपका ये भी निकल सकता है नियॉन पंक स्वीट्स, अगर आपके पास UMP ऑलरेडी पड़ी है तो ये भी निकल सकती है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो हो यहाँ पे 2 या 3 दफ़ा 60 UC वाला ट्राई करो और उसके बाद जितनी चीज़ आपकी निकल आएंगी तो वो ऑलरेडी जैसे माइनस हो जाएंगी। जैसे अभी मेरा 1078 शो कर रहा है। इस क्रेट की यही खास बात है कि 1078 में मुझे ये 5 आइटम मिल जाएंगे, ठीक है, ये नहीं मिलेगी। जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी होगी वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपके पास जितनी चीज़ें होंगी वो यहाँ से और यूसी की प्राइस जो है लेस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मेरी 1078 होगी, अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो शायद आपके इस क्रेट की प्राइस 800 शो हो रही हो, किसी के पास ये 3 चीज़ें तो शायद उसको ये क्रेट की प्राइस 700 या 600 UC शो हो रही हो। तो ठीक है, हर एक के पास इसकी प्राइस डिफरेंट शो हो रही होगी। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की इन्वेंट्री के ऊपर कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर कितनी ये वाली नियॉन पंक की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होंगी उसको उतना ही कम प्राइस का क्रेट पड़ेगा, और जिसकी भाई 2 आइटम्स रहती हैं उसको तो शायद 300 या 400 का पड़ेगा, ठीक है। तो यार वो लाजमी आके ले लो यार यहाँ से, ठीक है, 50 अचीवमेंट पॉइंट्स फ्री के आप लोगों के लिए। तो अपने को तो भाई 1078 UC दिखा रहे हैं तो इतना ज़्यादा यूसी लगाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। बाकी वैसे अकाउंट में तो पड़ा हुआ है बट हम इतना वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कोई और अचीवमेंट आएंगी अभी आगे जाके तो उनको कंप्लीट कर लेंगे मेहनत करके, एज़ कम्पेयर का हम यूसी लगा के फ़ौरन से अचीवमेंट कंप्लीट कर लें। तो बाकी आप लोगों को मैंने बताना था इस नियॉन पंक क्रेट के बारे में कि इस क्रेट का फ़ायदा ये है जो हमारा ये जिसमें 6 की 6 आइटम 100% शो कर रहा है, अगर आपके पास जोन सी नहीं होगी, ठीक है, आइटम वो ही सिर्फ निकलेगी। मतलब एक क्रेट खोलोगे, अगर आपके पास कोई भी नहीं है इनमें से आइटम तो 6 की 6 आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितना यूसी नीचे शो हो रहा होगा। अभी मुझे 1078 UC शो हो रहा है, मैं अगर अभी खोलूँ, ठीक है, मुझे ये 5 आइटम मिल जाएंगी क्योंकि मेरा एक आइटम ऑलरेडी निकली हुई है और इसकी प्राइस जो है वो डिटेक्ट कर चुके हैं। नीचे आपने लाइन भी देख सकते हो, आइटम्स यू ऑलरेडी ऑन हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल प्राइस। तो अभी इसकी प्राइस जो है 1158 थी बट मुझे 1078 का शो करा है, बिकॉज मेरे पास ये जो है ये है नियॉन पंक ब्लू वाली UMP 45 ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसलिए मेरी प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोगों की प्राइस भी कम की जा सकती है। अगर किसी को लक ट्राई करनी है, किसी का कोई भी चीज़ नहीं है, तो सबसे पहले वो फिर यहाँ पे ट्राई करे, ठीक है, 60 UC का एक चीज़ उसकी निकलेगी, फिर दोबारा 60 UC का ट्राई करे, शायद अगर उसकी लक अच्छी है तो 2 चीज़ें निकलेंगी, फिर यहाँ से आपकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आके जितनी प्राइस रिड्यूस होगी तो उससे आप लोग जो है यहाँ पे
मतलब कि ओपनिंग कर सकते हो इसकी फ़ौरन से, फिर थोड़ा कम यूसी भी लग जाएगा आप लोगों का, यहाँ से आप यूसी सेव कर सकते हो। मैंने आपका मतलब बताने का ये है कि यहाँ से अगर आप लोग 60 यूसी का ओपन करते हो, अगर आपकी लक अच्छी रहती है तो, और कोई आपकी रैंडमली आइटम निकल आती रहती है, ठीक है, रिपीट नहीं होती, तो उसके बाद अगर आपकी एक या दो आइटम रह जाती है जो आप कहते हो कि अब मुझे यहाँ पे ना मतलब कि डेयर नहीं करना कि निकले या ना निकले, तो इसलिए आप सीधा फिर इस क्रेट के ऊपर आओ और जितना यूसी शोर हो उसका परचेज कर लेना, तो आपको वो आइटम्स मिल जाएंगी दोनों, ठीक है क्या। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ ये न्यू चीज़ें आई हैं पबजी मोबाइल के अंदर। इसके अलावा यार अपने तो एक इमोर्टल रिडीम कर लिया था ये वाला, बिकॉज अब हम लोग चुम्मी दे दे के थक गए थे यार, तो हम लोग इनका बस कार्ड लोग मिथिक के लिए पहले वाउचर्स जमा कर रहे थे वो कैरेक्टर शार्ट, बट अब नहीं हो पाया, मुझे पता था यार इतने ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने कहा बस ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा यार आज हम लोग चलते हैं एक और काम कर लेते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री में जाके स्विच कैरेक्टर पर जाके भाई अपने आप को सारा लेनी है, ठीक है, सारा का भी एक इमोट है वो अपने को बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो हम परचेज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ओके फाइनली हम लोगों ने इसको भी परचेज़ कर लिया आप लोगों के सामने, बिकॉज इसका एक इमोट था जो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये वाला, इसको भी अनलॉक कर लेते हैं। तो हेयर वी गो गाइस, ये आप लोगों के लिए सिर्फ अनलॉक किया बिकॉज आप लोगों को जो है मैं हाई हाई कर करके ना थक गया, तो मैंने कहा कुछ तो ऐसा होना चाहिए अच्छा जिससे हम आप लोगों के सामने मतलब कि मज़ा कर सकें। तो ये लो यार, और बोलो यार, अब ये हुआ करेगा हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगे और ठीक ठाक होगे। तो यार बड़ा बड़ा लव यू हो गया, तो उसके लिए ये वाला इमोट हम लोगों ने रखेंगे, तो अब ज़रा थोड़ी अच्छी वीडियो लगा करेगी भाई, जितना कुछ अपने हाथ में वो तो करे ना। तो बाकी यार बड़ा बड़ा लव यू हो गया, तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ न्यू टॉपिक, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।